तिहाड़ जेल तो पांच होर वीर आ चुके आ बाहर माफी चाहना पहला मैं गलत दस चुके सी छे लोग आ चुके आ बाहर दो मिनट फोटो लैन दो सारे आ जाओ अगे कर दो हाँ थोड़ा खुला खुला किसान एकता जिंदाबाद लोक एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 काले कानून वापस लो वापस लो 26 ते 29 दे घटनावां तों बाद अज तुहाडे सामने है कि जिन्ना जबर पुलिस दा 26 ते 29 नूं होया वो जबर जारी भी रहा पर उस जबर दा मुकाबला जिन्ने बेदोशे नौजवान तुहाडे सामने खड़े है जिन्हां दे विच गए सी इन्हां ने भी डट के मुकाबला कीता और बाहर जिहड़े लड़न वाले संयुक्त किसान मोर्चा साडी दिल्ली विखे कालू साहब की अगवाई चल रही वकीलों की टीम ने बहुत ही सियाणप नाल बहुत ही दलील नाल उन्हां झूठे केसां दा मुकाबला कीता है। उन्हां सबूत अज यह है कि जिहड़े 149 बेदोशे किसान जिन्हां ने भी सरकार ने बड़े गलत तरीके झूठे परचे पा के जिहड़ा भेजे से अज उन्हां दे विचों 119 बाहर आ चुके ने केवल 30 अंदर ने जिहड़े अगले हफ्ते दे विच मैं कहिंदा वह भी बाहर आ जाणगे और मैं ये समझदा भी ये बहुत वड्डा मैं कहना भी जवाब है पुलिस नूं और सरकार नूं भी और उन्होंने मूँह दे उपरे चपेड़ भी है भी एडा वड्डा धक्का करके एडे गलत तरीके नाल गलत धाराओं दे विच जिन्होंने स्टैंड नहीं किया कि कोर्ट दे विच जाके या किसी होर प्रक्रिया दे विच भी इन्नी जल्दी धड़ाधड़ नौजवान जिहड़े बाहर आए किसान बाहर आए है ये गल साबित करती है कि बिल्कुल सारिया स्टोरियां पुलिस दीआं झूठियां सन बेबुनियाद सन उन्हां च कोई सच्चाई नहीं सी। अगली गल ये है भी सारे कानून की जिहड़ी प्रक्रिया सी धज्जियां उड़ा के पुलिस कस्टडी दे विच इन्हां दी मूँह बोलिया इन्हां ने भी इन्हां टॉर्चर भी किया गया ईवन जेल दे विच आ के मैं तां कहिंदा भी जदों पुलिस कस्टडी चों कोई मजिस्ट्रेट दे पेश हो के कोई जेल च आ जांदा है ना तां जेल च किसी नूं भी टॉर्चर करना किसी नूं कोई गलत लैंग्वेज नाल किसी तरह उसकी करनी तां ये बहुत वड्डी जेल मैनुअल दी और जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उहदी बहुत उलंघना है सारे जमहूरी अधिकारां दी ये जेल च भी कीता है ये कदे सुनिया नहीं आजाद भारत दे विच या जमहूरी दे विच ये कदे नहीं इस तरह होया पर पता नहीं किस तरह भी किन्ने वड्डे दोषी सन ये कोई क्रिमिनल लोग तो है नहीं ये किसान है किसानी मंगा पिछे तो आए लड़न के लिए जिहड़ियां लड़ाई हुण जारी है अजे तक और उन्हां पिछे लड़दे हुए कोई ऐसा गुनाह भी नहीं सी भी इन्नियां आम घटनावां दे विच जिवें 29 तरीक की घटना च इनवॉल्व ने सारे 29 तरीक की घटना की सी भी घटना ऐसी सी जिथे बीजेपी RSS के गुंडे योजनाबद्ध तरीके नाल एक धरना एक स्टेज के उपर हमला करन आए और ये जो नौजवान उत्थे है भी नहीं सी बहुत जिहड़े खड़े भी सी उन्हां ने उन्होंने वंगारिया क्योंकि वह बड़ा गैर जमहूरी ढंग से एक कानून नूं अपने हाथ च लै रहे सी तां उह घटना दे विच इह लोग जिहड़े सारे सी नौजवान ये तो कोई नरेले च अपना कोई समान खरीदन गया कोई किसी पासे खड़ा सी किसी ने उत्थों पिकअप किया किसी ने उत्थों पिकअप किया करके सारे के उपर परचे भी यहोजे दर्ज किए 307 395 397 353 120 वगैरह भी जिहड़े सारे बड़िया सीरीयस धाराएं ने कानून दी इस इंटेंशन नाल कि इन्हां दी जमानत भी ना हो बहुत देर अंदर रहन पर मैं तो धन्नवादी हाँ कालू साहब उन्हां दा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा इकट्ठे होकर चल रहे सी इन्हां दी जॉइंट एफर्ट सी इन्नी जॉइंट एफर्ट सी भी इसने एक एक करके सारी स्क्रूटनी करके सारे केसां दी
जमानत लाइया और मैं तो इस जुडिशरी का भी धनवादी हाँ अच्छ कि जिन्होंने ना कोई सरकार का प्रैशर कबूलिया ना किसी पुलिस का प्रैशर कबूलिया सगों प्रोसीक्यूशन सरकार ने बड़ी झाड़ा पाइया एक ही केस के भी ऐसे परचे मनघड़त स्टोरियाँ दर्ज करके इन्हों बेदोशे लोगों किसानों जोड़ा इंसाफ लैन ही आया थोड़े दौरान उपर तुम जो भी तुड़ रहे हो इस तरह तो यह झाड़ा पाने तो बाद सिट्टा है कि सारे जोड़े किसान नौजवान बाहर जिलों के आ रहे हैं और एक एक करके जोड़े बाकी ने वह भी आ रहे हैं। मैं ना ये भी कहना भी जोड़ा इन्हों के उपर कोई तशद्दुद पुलिस कस्टडी होया चाहे जेल के भी होया वो साड़ा अगला पार्ट है। साड़ी पहली जिम्मेवारी यह है भी यह सारे जेलों तो बाहर आ वो असं लिया के भी सफल हो गए हैं। अगला पार्ट ये है भी जिन्होंने भी इन्हों के खिलाफ भावें पुलिस कस्टडी के है या जेल के कोई भी अधिकारी छोटा आवे वड्डा होवे वो सारे ने ना सानू पता लग जाने या पता कर भी लेने असं एविडेंस भी कलैक्ट करांगे ते उहदे बाद उन्हां सारे के खिलाफ इस तगासे दायर करांगे कोर्टां दे विच। कालों साहब खड़े इन्हां नूं भली बात पता है किसी पुलिस अफसर के खिलाफ इस तगासा कोर्ट 'च दायर हो जाए ना तो उहदी तां फिर जान नूं पै जांदी है मिंटां कटदा फिरदा इन्हां दे सामने इन्हां गोडे फिरना मिंटां ज इस तगासा होया नोटिस गए तो भजे पिंडां दे फिरने भी सानूं बख्श दिओ साडी नौकरी का खतरा है। ये भी आना अगला हमला हूँ तो सरकार हमलावर से ना उस तो बाद किसानों ने हमलावर होना है ये अगला दौर चलेगा। सो साड़ी जिहड़ी पहल सी मैं कहना भी उहदे विच साड़ी जिहड़ी प्रायोरिटी सी उहदे विच असीं सफल होए हाँ। और दूजा एक नोटिस वाला पार्ट से जिन्हें बहुत वड्डी गिणती च उन्होंने नोटिस भेजे जा रहे 160 CRPC 91 CRPC दे विच भी आओ फलानी FIR दे विच थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है पुछ पड़ताल करनी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बड़ा समय सिर फैसला किया असी एक एजीटेशन की एक जड़ा एक्शन की कॉल दी पंजाब 24 तारीख को यह कहा भी तुसी सारे तहसील जिला हेडक्वाटर के पर धरने मुजहरे करो राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भेजो ता कि पुलिस जोड़ा जबर है जोड़े लोग पिंड बैठे है उन्होंने डरा के धमका के मोर्चा च ना जोड़े मोर्चा च बैठे बाहर चले जाता तो मैं थोड़ा अच्छे थोड़े चैनल लाई दसना चाहता कि पुलिस ने उस तो बाद नोटिस नहीं जारी किया किसी किसान हूँ तक असी स्पष्ट कहा कि जिन्होंने नोटिस आए ने किसी ने इन्वेस्टिगेशन हाजिर नहीं होना किसी ने पुछ पड़ताल हाजिर नहीं होना असी इन्हों का जवाब पोलीटिकली ही देवे एजीटेशन जरिए वह जवाब दिता है उन्होंने नकेल पाई है किसी नोटिस नहीं गया ना कोई जो किसान इन्हें पुछ पड़ताल शामिल होया। सो यह भी जोड़ा जबर से यह भी जोड़ा सहम पुलिस जी फैला रही थी वह भी जवाब दे दिता है। हूँ दोबारा फिर ये नौजवान किसान जोड़े साढ़े सामने खड़े है अपने बुनियादी मामले जिन्हों के खिलाफ ये लड़ते जेलों के आए तिने खेती कानून MSP के कानून जोड़ी लड़ाई दे जारी है वह लड़ाई के शामिल हो रहे जाके वह लड़ाई में मजबूत करे तकड़ी करे कि जिस मकसद लिए असी दिल्ली का चारे पास घराव किया उस मकसद सफल होइए उस मोर्चे जित तक लैके जाइए। सो मैनू अज बहुत खुशी भी है इन्हों तो सुन के इन्हों पेरेंट्स भी खड़े ने कि इन्हों के हौसले पूरे कायम ने ये कोई इन्होंने अंदर कोई ऐसी वो नहीं आई भी जी किसी की बेदली होगी जेल से जाके सगो ये ज़्यादा बहादुर हो के ज़्यादा तकड़े हो के ज़्यादा जोश उत्साह के भी जेलों तो बाहर आए हैं मोर्चा के पर जाएंगे टिकरी वाले टिकरी जाएंगे सिंगू वाले सिंगू जाएंगे ताकि उन्होंने मोर्चे जो ये नौजवान स्टेजा तो कढ़ना है तो लोगों में बड़ा भारी उत्साह होना बड़ा भारी जोश होना है भी ये उस जबर का टकरा करके तिहाड़ वर्गी जेल है जी सारे देश के एक मशहूर जेल गिनी जाती है बहुत व्डे क्राइम वाले लोग भी VIP लोग इन्हें रेंदे ने तो ये वो सारा महीना डेढ़ महीना 35 दिन कट के बाहर आए ना। मैं कहना भी ये किसानों के लीडर ने किसानों के योद्धे ने जदों सिंघू मोर्चे का इतिहास सिरजा जाना तो इन्होंने ना प्रोमीनेंटली उस होने इन्हों सिर उच्चे हो सो इन्ना मैं थोड़े चैनल के जरिए दोबारा फिर साड़ी सारे ज्वाइंट एफर्ट संयुक्त किसान मोर्चा साडा दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे वकील साहबान कालू साहब ढिल्लों साहब तो सिरसा ढिल्लों साहब तो अपने संधु साहब दूजे कोहली साहब खड़े सारे वकील सारे जी अगवाई रहनमई साडे बहुत ही सत्कार योग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा उन्होंने अगवाई दे विच सारी टीम ने काम किया और साडे नाल कोआर्डीनेट करके सांझे यत्न है जोड़े सांझियां कोशिशां उन्होंने जो बूर पे है कि वड्डी गिणती जोड़े किसान ने वो जेलों तो बाहर आए हैं। सो मैं इन्होंने शब्दों नाल दोबारा फिर थोड़ा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ बाहर तो आने वाले किसानों का साडी टीम का और थोड़े चैनलों का जिन्होंने ये सारी जी प्रक्रिया देश विदेश दिखाया और सरकार का जबर सरकार का सहम
सरकार के माड़े कामों उजागर करके लोगों के भी नंगा किया है, समाज के भी नंगा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। गिरफ्तारी हो रही है? कुछ नहीं पूछा जी, 100 बंदे खड़े थे गई और पुलिस वाले दिल्ली वाले नंगन दे रहे थे, अपने ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪਿੱਟ ਪਟਾਈ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਪੂਰੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੋ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੇ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਕਾਲੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ IO ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਹਲੀ, ਸੰਕਲਪ ਕੋਹਲੀ, ਮੈਡਮ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,
फिर राती 10 बजे तो लैके 11 साढ़े 11 12 बजे इतने तिहाड़ जेल के बाहर जबकि वकीलों का काम नहीं है लेकिन वो इन्हों रिसीव करने वास्ते ताकि इन्हों के हौसले बुलंद होने कि इन्हों के पिछे कोई खड़ा है कोई टीम जी खड़ी है वकीलों की वो इतने इन्हों स्वागत करने वास्ते भी तुम जो संघर्ष करके आए हो जेल कट के आए हो इन व्डा कुर्बानी दे के आए हो तो स्वागत करने वास्ते खड़े हैं। सो ये जज्बा है, ये जज्बे के नाल साबित होंदा है कि सरकार जिहड़े मकसद के नाल इन्हों अरैसट किया मकसद के सरकार फेल है और ये जज्बा बुलंद है। हुणे पंगू साहब दस रहे सन कि ये सारे ही जिहड़े पहलां आए वह भी तो अज ये भी ये सारे ही वापस अपने धरनों के उत्ते जाणगे चाहे वह टीकरी बॉडर होवे चाहे सिंगू बॉडर होवे और इन दे हौसले बुलंद है। इन्हों की एको गल है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तद तक ये अपने उस मकसद के डट के खड़े है। सो दूसरी गल ये है कि जिन्हें भी इन दे केस है उन्हों की पैरवाई अगे जी लगातार चलती रहेगी निरंतर जारी रहेगी जो भी उदे वास्ते करना पएगा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की साड़ी सारी लीगल टीम संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल टीम सारी असी सहयोग करके इन्हों के केसों की अगे पैरवाई भी करा बाइज्जत इन्हों बरी करावे। प्रधान साहब रोजाना इत्थे आ के खड़े होंगे आप वो इन्हों रिसीव करते हैं अज वो किसी कारण करके अज नहीं आ सके लेकिन उन्हों का बार बार मैसेज ये कि तुम सारे उत्थे होने चाहिए मुंडिया का हौसला होना चाहिए कि उन्होंने रिसीव करने वास्ते आए हैं। सो ये सारा कौम का जज्बा है और इस मकसद के कानून जोड़े आ वो असी वापस करावे और जी जित है किसानों की वो निश्चित है। सवाल है सारे किसान वाल आगू कह रहे ने ते लीगल हेड भी कह रहे ने तोड़े कि तुसी इस तो बाद घरे नहीं मुड़ना ते तुसी एक बारी दस दो कि इस तो बाद किथे जाना तुसी सबने डट के दस दो थोड़ा किथे बिलकुल तुसी देख सकदे हो कि जज्बे ने एक बारी ना दस दो गुरविंदर सिंह पिंड गंगरौली जी डिस्ट्रिक्ट पटियाला पिंड कोटचमेरी जिला बठिंडा जी बठिंडा अजयपाल सिंह पिंड कसियाणा डिस्ट्रिक्ट पटियाला मनप्रीत सिंह पिंड खमाणो कलां जिला फतेहगढ़ साहब संदीप सिंह पिंड सेरों डिस्ट्रिक्ट तरनतारन नवजोत सिंह पिंड हसनपुर विलेज मोहाली। बिल्कुल जिदा तुसी दस्सिया कि तुहाडे नाल जिहड़ी कुटमार कीती गई है निशान ओ नहीं 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 और की माहौल सी की कुछ होया तुहाडे नाल अंदर की कारवाई कर रही सी पुलिस जी पहला दे जदों ही चक्के आ ते सानू चौंकी ते खड़े होए ते बहुत उन्हें सानू कुट्टिया मारिया कि डंडिया नाल डांगा नाल मुक्कियां तक कुछ ढिड्ड च मारे जी ते बाद च सानू थाने भी लै गए थाने रात सानू इस तरह कमरे च बंद कर दिता गालां गुलां भी बड़ियां दित्तियां ते अगले दिन साडा परचा कट के रात उन्होंने एक बजे परचा कटिया जी कट के सवेरे सानू 3 बजे कोर्ट च पेश किया जी रात सानू मुड़ के जेल च लै गए जेल के विच जदों गए जी सानू बड़ी उत्थे ही हल्का रात मिली बड़ियां गालां गुलां गंदियां नाल बहुत दुखियां होईयां। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਰੇਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਮੈਂ ਏਟੀਐਮ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ 5 ਫਾਲਡੇ ਇੱਦਾਂ 5-5 ਕਰਕੇ 43 ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ 43 ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ
देश की खेती का सवाल आ, देश नूं भुखमरी तो बचाउण दा सवाल आ, इस गल ही जूझ रहे हैं। और इस गल नूं किसान चंगी तरह समझ चुका है और जदों समझ रहा तो उठ भी रहा है। वो कोई इस गल करके नहीं आया कि दिहाड़ी ते आ जाऊगा। इस तरह का काम भाजपा अपनी पोलीटिकल रैलियां लिए करती होगी, भाजपा दंगे कराने लिए इदा का काम करती होगी। असी इस देश नूं बचाउण दी, इस देश नूं भुखमरी तो बचाउण दी, इस देश की खेती नूं बचाउण लई और इस देश की समुची आर्थिकता नूं बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं दूजी गल यह कहनी चाहुंदा कि इस लड़ाई दे विच असी जो कुछ भी कर रहे हैं, इस दे विच जिथे साढ़े ये वीर बाहर आए ने हौसले च ने, यह लड़ाई होर अगे वधावांगे। और थोड़े माध्यम राही ये कहना चाहते हैं कि रणजीत सिंह काजमपुर नवांशहर वाले उन्हां दा प्रोसैस भी बेल का शुरू कर चुके हैं, जल्दी ही वह भी बाहर होणगे। और जल्दी ही मजदूर आगू शिव कुमार जिन्हां दी आस है कि वह छेती ही असी तुहानूं इस माध्यम राही थोड़े सामने यह जानकारी देवांगे कि उन्हां दी भी जमानत है जिहड़ी मंजूर हो चुकी है। ये आस है सानूं कि अगले एक हफ्ते के थानूं दो जिहड़ियां महत्वपूर्ण जानकारियां मिलणगे, क्योंकि साडी वकीलां दी सारी टीम इस मामले ते लगी हुई है। और जिन्हें हुण किसान वीर पिछे रह गए उन्हां नूं भी जल्दी बाहर लियावांगे। यह मोर्चा फिर भर जोबन ते अगे फैलाउण लई असीं अपनी योजनाबंदी बनाई है। आस है कि यह वीर जदों उत्थे जाणगे तां 6 तरीक नूं जदों असीं KMP ते जाम दा सद्दा दित्ता है जिहड़ा 5 घंटे दा, उस चे गज बज के शामिल होणगे। मोदी सरकार दे सारे भरम ते सारे वहम कढ देंगे, चिप पा देंगे। एक जी कमेंट दे विच सवाल पूछा जा रहा है, किन्ने जने बाकी रह गए, किन्ने फार्मर है जिहड़े? 119 किसानां दी जमानत हो चुकी है, 103 किसान बाहर आ गए, बाकी दा प्रोसैस चलदा, उह कल भी बाहर आउणगे। पिछे 32 किसान बाकी जिहड़े हाले बंद ने, उहनां दी जमानत हो जाएगी। एक कट्ठी ना फोटो